हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की अभ्यास 1 का ए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पूरा फ्री में कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यास एक का ए। चलिए देखिए दोस्तों, अभ्यास एक के ए में क्या बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरल कीजिए। अभ्यास एक के ए का पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। दिया है 4/5 प्लस माइनस दिया है 2/5 ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, इसको आपको क्या करनी है, सरल करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, हल लिखिए। हल लिखने के बाद इसको आप हल करिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या रहेगा, 4/5 को पहले ऐसे रहने दीजिए। सबसे पहला काम होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कोष्टक को तोड़ना। तो कोष्टक को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2/ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको हर समान दिखे तो अंश क्या होता है, घटाने का चिन्ह रहता है तो घट जाता है, जोड़ का चिन्ह रहता है तो क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो हर समान है तो इसका एलसीएम 5 ही आएगा और ऊपर कितना है, 4-2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, नीचे 5 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का दूसरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले का दूसरा, इसमें भी सरल करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है -4/-5 और +2/-5। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता ही दिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो आपको पहले कोष्टक को तोड़ना होता है। तो कोष्टक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है -4/-5 दिया है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना, 2/5 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 4/5 और -2/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, और यहाँ से क्या करिए, नीचे हर समान दिख रहा है तो अंश को क्या करें, घटाने चिन्ह तो घटा देंगे। नीचे 5 है 5 लिख लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 है 4 लिख लीजिए, -2 लिख दीजिए। अब 4 में से 2 घटे कितना बचेगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और नीचे कितना दिख रहा है, 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो बोला है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो दूसरे का पहला है संख्या रेखा की सहायता से, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या दिया है, 3/4 और प्लस माइनस क्या दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमको एक संख्या रेखा बनानी है, उसको हल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ काम होगा, आपको लिखना है हल। हल लिखिए, हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कोष्टक को तोड़ेंगे तो पहले 3/ क्या रहेगा, 4 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक खंड बना, एक खंड और निकाला, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 कटेगा, बचे के ऊपर कितना, 3, 4 एक का 2 2 4 2 आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो 3/ कितना आएगा, 4, और -6/ कितना आ जाएगा, 4। हर समान करने पर 3/4 आएगा, -6/ कितना आया, 4 आया। तो अब इसी पे आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा यहाँ पे आप एक खींचिए, संख्या रेखा जब आप खींच लीजिए तो यहाँ पे मान को पहले दर्शा दीजिए। ठीक है, मान क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखिए 0, फिर क्या लिखेंगे, 1 कितने/4, सब में 4 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ऐसे डॉट डॉट आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे लिख लीजिए आप, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और -7/4, ऐसे आपको इधर भी ऐसे लिखते चले जाना। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करनी है, -6/ कितना है, कितने का विस्थापन दिख रहा है यहाँ पे,
विस्थापन पहले जीरो से लेंगे, जीरो से देखा जाए तो पहले तीन बटा कितना है चार प्लस की तरफ गया, तो जीरो से उठिए यहाँ पे आप और राइज करिए तीन बटे चार पर चले जाइए, तो तीन बटा चार कहाँ है यहाँ पे, तीन बटे चार पे यहाँ पे इसको क्या करिए आप गिरा दीजिए, ठीक है। तीन बटे चार पे हो गया, अब आपको क्या करनी है ध्यान दीजिए, तीन बटे चार पे गए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से देखा जाए माइनस छः बटा कितना है चार, तो यहाँ से जाइए यहाँ से आप उठिए इसको उठाइए और माइनस छः बटा चार तो कितना है, कितने का विस्थापन यहाँ देखिए लिखिए माइनस छः बटे चार, तो कितने का विस्थापन हुआ छः का, छः का विस्थापन हुआ है लेकिन किस तरफ पे ऋणात्मक दिशा में, छः छः विस्थापन हुआ है लेकिन कहाँ पे ऋणात्मक दिशा में, तो यहाँ लिख लीजिए ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, तो छः का विस्थापन ऋणात्मक दिशा में हुआ तो ऋणात्मक की तरफ जाइए, तो छठ हो जाइए एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है दोस्तों, तो कितने गिरेगा तीन बटे चार पे, छः का विस्थापन हुआ एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे कितना का विस्थापन हुआ तीन बटे चार पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे तीन बटे चार पे इसको हम गिरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरो करिए, यहाँ से तीन बटे चार का हम छः विस्थापन हुआ है ऋणात्मक में, अब शून्य से देखा जाए कितने का विस्थापन हुआ है, तो शून्य से देखा जाएगा तो विस्थापन कितने का हुआ दोस्तों माइनस तीन बटे चार, माइनस इधर है ना, तो माइनस तीन बटे चार देखा जाए तो कितने का विस्थापन हुआ है तीन, तीन विस्थापन हुआ, ठीक है दोस्तों तीन विस्थापन हुआ लेकिन किस दिशा में ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है दोस्तों समझ आए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे का दूसरा, देखिए यहां पे दोस्तों दूसरे का दूसरा, देखिए दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा दिया है आपको माइनस तीन बटे माइनस चार प्लस पाँच बटे माइनस छः, ब्रैकेट को क्या कर दीजिए आप बंद कर दीजिए, जब भी पहले आपको क्या करना है इसको हल करना है तब संख्या रेखा पर आप इसको दर्शाइए, तो पहले हल करिए, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे कोष्टक को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस तीन बटे माइनस चार लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाँच बटे छः, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा बचेगा तीन बटे चार और माइनस पाँच बटे छः, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा बारह आएगा, चार से बारह कट जाएगा छः से ही बारह कट जाएगा, तो चार तिया ही बारह तीन का बारह आएगा तीन तरीका कितना हो जाएगा नौ, छः दूनी बारह दो आएगा दो पंची कितना हो जाएगा दोस्तों दस, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस एक बटे बारह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया माइनस एक बटे बारह आएगा, अगर हम यहीं पे अलग अलग करना चाहते तो अलग अलग करते तो क्या आता नौ बटा आता बारह और आता माइनस दस बटे बारह आता, इसको अगर हम अलग करते तो यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम अलग कर दिए नौ बटा बारह माइनस दस बटा कितना आया बारह आया। अब आप एक संख्या रेखा खींचती है बारह तक, ठीक है, तो चलिए हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, संख्या रेखा खींचिए इस पर मान को दर्शाइए, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए शून्य एक बटा क्या लिखेंगे बारह, दो बटे बारह, तीन बटे बारह, चार बटे बारह, पाँच बटे बारह, छः बटे बारह, सात बटे बारह, आठ बटे बारह, नौ बटे बारह, दस बटे बारह और ग्यारह बटे बारह, यहाँ बारह बटे बारह, ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए लास्ट में कितना है बारह बटे बारह। अब इधर क्या करेंगे आप माइनस एक बटे बारह, माइनस दो बटे बारह, माइनस तीन बटे बारह, माइनस चार बटे बारह, ऐसे डॉट डॉट इधर भी आपको बढ़ते चले जाना है, जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ पर वहाँ तक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अब क्या करनी होगी ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिए पहले क्या करें कितने का विस्थापन हुआ है जीरो से नौ बटे बारह तक, यहाँ पहला कितना विस्थापन हुआ है नौ बटे बारह, तो जीरो से इरेज करिए नौ बटे कहाँ तक जाइए बारह तक, तो यहाँ क्या है नौ बटे बारह यहाँ पे, तो यहाँ तक आइए आप, चलिए यहाँ तक हम आ गए नौ बटे बारह तक, और नौ बटे बारह उठिए कितने दस कितना यहाँ पे दिया है माइनस दस बटे बारह, तो यहाँ सब उठिए कितना माइनस दस बटे कहाँ तक जाएंगे दस तक, दस अंक इधर विस्थापन हो जाएंगे, तो दस तक विस्थापन करेंगे तो कहाँ आएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी एक बटा कहाँ जाएंगे दस पे, तो चलिए इरेज करके यहाँ तक हम आए हैं तो इसको मिला लीजिए यहाँ से कहाँ आए एक बटा दस पे आ गए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए अगर मिलाएंगे तो कितना का विस्थापन हुआ है एक का विस्थापन हुआ है, ठीक है,
तो सबको लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 10/12 जो का जो बराबर कितने का विस्थापन हुआ है, 10 विस्थापन हुआ है, वो भी किस दिशा में, 10 विस्थापन हुआ है लेकिन ऋणात्मक दिशा में, किस में विस्थापन हुआ है, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है दोस्तों, ये ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हुआ है 10 का, और ये जो विस्थापन हुआ है 1 का विस्थापन हुआ है, कितने का विस्थापन हुआ है, 1 का विस्थापन लेकिन किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक दोस्तों, ऋणात्मक दिशा, तो कितने क्या लिख सकते हैं इधर हम -1/12 लिख सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या रेखा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हर का लस लेकर सरल कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या दिया क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद उसका हम लस लेकर उसको हम सरल करेंगे, तो दिया है 5/12 प्लस -7/16, ठीक है दोस्तों, इतना दिया है, अब हम क्या करेंगे हर का लस लेकर हम हल करेंगे, तो यहाँ लिखिए आप हल, हल लिखने के बाद इसको सरल करिए, और सरल किस रूप में करेंगे, पहले हर का हमें क्या लेना है, लस लेना है, तो 5/12 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/16, हमेशा कोष्टक को तोड़ना होता है, जब भी क्वेश्चन सरल करने वाली बात करेगी तो सबसे पहले आपका फोकस कोष्टक में होना चाहिए, कोष्टक को आपको तोड़ना है, इतना करने के बाद 12 और 16 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ लिखिए 12 लिखिए, कामा क्या लिखेंगे 16, 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12 और 2 और 16, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 ऐसे रहेगा 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे रहेगा 2 × 1 = 2, फिर 3 से काटेंगे 3 × 1 कट गया पूरा, इसका गुणा कर लीजिए, लस निकाल लीजिए, बोला है लस निकाल के हल करना है, तो लस निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 का हम 4 बार गुणा कर लेंगे, लास्ट में कितना है 3, तो गुणा करें 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 3 = 48, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 48, अब 12 से काटेंगे 12 × 4 = 48, 4 आएगा, 4 का गुणा किस में कर लेंगे 5 में, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 16 × 3 = 48, 3 आएगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे 7 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, अब घटाएंगे 20 में से 21 घटेगा नहीं, तो घटेगा तो कितना आएगा -1, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, बटे में कितना हो जाएगा 48, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरे का दूसरा, देखिए दोस्तों तीसरे का दूसरा दिया आपका -3/-11 और +-4/33, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है हर का हमें क्या लेना है लस लेकर इसको हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए हल लिखिए, हल लिखने के बाद तब इसको हल कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या करिए माइनस को हटा कोष्टक हटाएंगे तो बचेगा क्या बचेगा -3/ क्या है -11 है कोष्टक में इसको लिख लीजिए, और प्लस क्या है -4/ क्या है 33 को लिख लीजिए, इसे माइनस माइनस कर जाएगा बचेगा कितना 3/11 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बचेगा 4/33, ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 11 × 33 का तो 33 ही आएगा, क्योंकि 33 11 से काटेंगे 11 × 3 = 33 और 33 × 1 = 33 कट जाएगा, तो 11 × 3 = 33 कितनी बार कटा 3 बार, 3 का गुणा उसके ऊपर कर देंगे 3 × 3 = 1 कितना हो जाएगा 9, 3 से काटेंगे 33 × 1 = 33 1 का गुणा किसमें कर देंगे 4 में, तो 9 में से 4 अब क्या हो जाएगा इतना आया, अब 9 में से 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा दोस्तों, 9 में से 4 घटे कितना आ जाएगा 5 और नीचे कितना है 33, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, समझ में आया, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला चौथा दिया है मान ज्ञात कीजिए, तो चौथे का पहला में दिया है 2+-11/9, ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करिए आप हल करिए, चलिए हल करेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 2 लिखिए और प्लस माइनस माइनस 11/9, अब क्या करेंगे 9 × 2 कितना होता है 18 और माइनस कितना 11/9, ठीक है दोस्तों,
अब क्या करेंगे, 11 में से अगर हम 18 में से 11 घटाएंगे कितना चाहिए दोस्तों, 7, और नीचे कितना है 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे का दूसरा। यहाँ देखिए चौथे का दूसरा, तो चौथे का दूसरा दिया है -3 + -2/-3, ठीक है दोस्तों, इतना दिया है। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पे हल। तो हल लिखने के बाद आपको अब क्या करना है, -3 को ऐसे रहने दीजिए और प्लस इसमें देखिए कितना दिया है -2/-3, ठीक है, तो माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -3 + कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। समझ आया दोस्तों? अब आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 * 9, उसके पहले माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, +2/ नीचे कितना हो जाएगा, 3। समझ आया? अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, तो 9 में से 7 एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा, बचे कितना, -7, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया, 3 * 9 और 2 = 7, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ आया दोस्तों? हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि आप फ्री में अपना पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।